जी नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में पार्टी के द्वारा जो हमें दायित्व दिया गया था उसके संक्षिप्त विवरणी आपके सामने उपस्थित करूंगा। इस मंच पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री, पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य देवेश जी, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी, अशोक भट्ट साहब, राजू झा जी, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय राकेश सिंह जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम मीडिया से जुड़े साथियों, 9 फरवरी को पार्टी के द्वारा बिहार सरकार में दायित्व दिया गया काम करने का। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और प्रदेश के नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर जी और रेणु देवी जी और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक वर्ष तक लगातार काम करने का मौका दिया। हमारे पंचायती राज विभाग में जो महत्वपूर्ण चीज़ों का हमारे आने के बाद चीज़ें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई, तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए, 1344 वार्ड सदस्य, वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया गया, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में इसकी भी चुनाव की प्रक्रिया होगी। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था, वो था चुनाव, क्योंकि बोगस वोटिंग लगातार ये चैलेंज रहता था राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कि बिहार के चुनाव में बोगस वोटिंग का प्रयोग करके लोग मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे। तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया गया, जो 2005 के चुनाव से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किए। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया, ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद ओसीआर के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है उसके माध्यम से कोई गिनती में भी जो प्रयोग करते थे कि स्थानीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते थे कि हमारे चुनाव में धांधली हुई, हमारा हमको हमारे लोगों को हरा दिया गया, आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो एक वोट से चुनाव हारे। और एक वोट से चुनाव हारना आप कितना कठिनाई वाला समझते होंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रयोग नहीं होता था तब तक यह व्यवस्था नहीं हो पाती थी।
राजस्थान के एक माननीय विधायक हार गए थे जो वहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उसी तरह पूरी तरह एक व्यवस्था बनाया गया और साफ सुथरा चुनाव कराने का टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस बीच में कोरोना की पूरी लहर हम लोगों ने दूसरी लहर झेला, आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर को और तीसरी लहर, ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने झेला और पहली बार पंचायती राज विभाग पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को सहयोग करते रहे। हम लोग पंचायतों में साबुन वितरण का काम किया गया। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।